नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। किसानों के हितों में हरियाणा सरकार का बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही अबियाना प्रथा को खत्म कर दिया गया है। साथ ही अबियाना का पिछला बकाया लगभग 133 करोड़ 55 लाख रूपए को भी माफ कर दिया गया है। इससे राज्य भर के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही अबियाना प्रथा को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इससे किसानों को प्रतिवर्ष 54 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में सशस्त्र बलों अर्धसैनिक कर्मियों के युद्ध में हताहत हुए 14 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने को मंजूरी दी गई। ये नियुक्तियां नीति में छूट देकर दी गई हैं। 14 मामलों में से 2 व्यक्तियों को ग्रुप बी में पदों पर नियुक्त किया गया है, जबकि 12 को ग्रुप सी पदों पर नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। संशोधन का उद्देश्य परिवार पहचान पत्र द्वारा सत्यापित 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 को भी मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने उपरांत अग्निवीरों को व्यापक रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है। आज की बैठक में 21 एजेंडे इसमें रखे गए थे, जिसमें से आज मंत्रिमंडल में 20 एजेंडों की स्वीकृति वो हुई है। सबसे पहले कल जो फसलों को MSP को लेकर के घोषणा की गई थी, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उस एजेंडे को रखा गया। इस घोषणा को क्रियान्वयन करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामांत की गई हैं, जिसमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद। ये 10 फसलें हैं, इनकी खरीद MSP पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य फसलें अगर किसान बोना चाहेगा तो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा। हरियाणा सभी फसलों को खरीद करने वाला ये देश का राज्य है, जो MSP के ऊपर जो फसलों को खरीद करने वाला एकमात्र हरियाणा ये राज्य है। बैठक में कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें MSP के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें MSP के ऊपर, सभी फसलें MSP के ऊपर खरीदी जा रही हैं। दूसरा एजेंडा बैठक में किसानों से जो अबियाना लिया जाता था, अंग्रेजों के समय का एक कानून था, हमने कल उसको समाप्त करने की घोषणा की। यह हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला, ये लंबे समय से अंग्रेजों के समय से जो उनसे आबियाना वसूल किया जाता था उसको समाप्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से अब ये आबियाना नहीं लिया जाएगा। आबियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए वो भी हमने माफ करने का निर्णय लिया है। अबियाना खत्म होने से किसानों को हर साल 54 करोड़ रुपए का वो लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। फिलहाल हरियाणा डेयरी में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।